हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने सारेगामा का नाम तो सुना ही होगा, वर्ल्ड फेमस म्यूजिकल कंपनी जो कि 1946 में बनी थी। उसी ने हाल ही में 2017 मई में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसको आप और हम उसको नाम दिया है कारवा। उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसमें 5000 सॉन्ग्स प्रीलोडेड है, प्लस आपको ब्लूटूथ मिलता है, FM मिलता है और मूड आर्टिस्ट और ये गीतमाला मिलती है। इसमें 1950 से लेके 2000 तक के सारे गीतमाला लोडेड है और प्लस साथ ही में इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, तो इसमें आप अपने फ़ोन से भी ब्लूटूथ के ज़रिए सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं और USB 2.0 है हालांकि इसमें, तो आप USB लगा सकते हैं। और इसमें पीछे देखिए USB का पोर्ट दिया हुआ है, एक प्रीसेट का बटन दिया है, USB माइक्रो USB चार्जिंग का पोर्ट दिया है। इसको 2 to 3 hours आप चार्ज करके कम से कम प्लेबैक टाइम इसका 5 hours है। मैं डेफिनेटली 3 to 4 hours तो मैं यूज़ करता हूँ रोज। इसे एक बार सुबह जैसे स्पिरिचुअल में, मतलब जिसमें भजन वगैरह रहते हैं, उसको लगा देता हूँ घर में, तो 3 to 4 hours तो ये लो वॉल्यूम पे अच्छा चलता है। आप चाहे तो फुल वॉल्यूम पे भी सुनेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। इसका साउंड बिल्कुल नहीं फटता, मतलब इसका साउंड बिल्कुल बेकार नहीं है। लोग बोलते हैं, मैंने अलग अलग साइट्स पे देखा है इसका सारेगामा का, कि इसके स्पीकर में प्रॉब्लम है, इसका स्पीकर फटता है, और ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो रोज़ ही यूज़ कर रहा हूँ। मुझे हालांकि 1 month होने आ गया इस प्रोडक्ट को लिए हुए। ये मैंने पास ही की एक लकड़ी का वो लोकल शॉप से लिया था, और अमेजोन पे हो चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे इसकी खुद की साइट पे हो, तो 6300 का ही आता है, 100 ऊपर भी आते हैं। जैसा कि आपको लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। इसको जैसे कि आप देख रहे हैं, पैसिफिक टेक्नोलॉजी एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त और होस्ट इस चैनल का, हूँ अनुपम तिवारी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख ही रहे होंगे कि इसमें ऊपर इसका ऑन करने का बटन है, ये हमने इसको प्रेस करा तो ये ऑन हो गया। देखिए, तो इसमें ये आपसे पूछेगा कि सिलेक्ट आर्टिस्ट मूड और ये, तो अगर आप इसमें आप जैसे अगर आर्टिस्ट सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने आर्टिस्ट सिलेक्ट करा तो ये लोडिंग हो रहा है, मतलब लोडिंग हो रहा है। ये देखिए, ये भी चल गया, ये लता मंगेशकर जी का सॉन्ग है। अगर इसको घुमाएंगे तो इससे सिंगर चेंज होता है, और अभी मैंने इसकी वॉल्यूम सेट करके रखी है आपकी 25 पे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसका साउंड बिल्कुल फटता है। बारे में नेगेटिव टिविटी फैला रहा है, यहाँ पर उसले जी का, मोहम्मद रफ़ी का, ऐसे बहुत सारे हैं। और इसके बाद चले अब अपन आते हैं मूड पे। तो इसका मूड आपने मूड लगाया तो रोमांस, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, सूफी म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, आपको पुराने सारे सॉन्ग से इंस्ट्रूमेंटल मिल जाएंगे, स्पिरिचुअल भजन मंत्र से लेके हर चीज आपको मिलेगी। एक सेकंड प्ले हो जाए, मैं बताता हूँ। ये यहाँ से आप सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, और जैसे कि स्पिरिचुअल हो गया, ये भक्ति हो गया, भक्ति में भी पूरे भजन से और प्लस मोटिवेशनल सॉन्ग और गजल्स हो गए, गजल्स में आपको सारी गजल्स मिल जाएंगी जगदीश सिंह जी से लेके सबकी। तो ये आपका हैप्पी मूड, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि मूड रहते हैं इसमें, ये आपका हैप्पी मूड, इसमें आपको सारे हैप्पी वाले सॉन्ग्स मिलेंगे। ये आपका सैड मूड, जब आप दुखी हो या वो होते हैं इसके लिए, और ये रोमांस मूड, ये रोमांस वाला मूड। अगर इसको आप चेंज करेंगे तो वापस सेम वही सब आएगा। चलिए अब इसकी बारी, दूसरे फंक्शन की बारी, ये है USB वाला। जैसे मैंने ये दबाया तो ये USB पे आ गया। अभी मैंने इसमें कोई USB नहीं लगाई है क्योंकि मेरे पास USB में कोई सॉन्ग नहीं है,
तो वो आप लगाएंगे तो ये प्ले करेगा। और ये FM, अब मैंने FM को बटन दबाया तो देखिए ये अभी बाय डिफॉल्ट 88.2 पे आ रहा है। तो आप इसे चाहे तो इस वॉल्यूम से भी, इस मतलब इस डायल से भी चैनल सेट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वाले बटन से भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए 92.7 बिग FM लगाया हमने, ये है। या फिर आप यहाँ से और चेंज कर सकते हैं, ये मैंने 93.5 रेड FM लगाया। ऐसे इसमें ब्लूटूथ ऑप्शन है, अगर मैं ब्लूटूथ का प्ले करूँ, ब्लूटूथ दबाऊंगा तो इसमें ब्लूटूथ का आ जाएगा और स्क्रीन में आपको ऐसा दिखेगा, enable bluetooth of your phone to connect from this device। तो मैं आपको क्या सुना के बताऊं, चलो तुम गायत्री मंत्र सुना देता हूं। ये था मेरे, ये मेरे फोन से ब्लूटूथ से साउंड बज रहा है। और अगर आपको जैसे मान लीजिए कि ये पूरा मतलब 5000 सॉन्ग्स पूरे आपके खत्म हो गए, तो आप प्रीसेट पे आके यहाँ पे रीसेट का बटन है, तो आप ये रीसेट का बटन दबा के इसको रीसेट कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ये है कि जब भी ये ऑन होता है, जैसे ये ऑन हुआ, तो ये वहां से जो लास्ट सॉन्ग जो प्रीवियस सॉन्ग होता है वहां से कभी चालू नहीं करता, हमेशा छूट जाता है, तो छूट ही जाता है। और अगर आप उसी जो आपने पहले ऑफ करने से पहले छोड़ा था तो वहां पे नहीं आता, ये चीज की ठीक है, दिक्कत नहीं है इसमें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नए नए वीडियो ऐसे ही डालते रहूँगा।